हेलो गाइस, माय सेल्फ वनिल। बालों को जज मत करना, थोड़ा सा अजीब से है, हवा चल रही है अच्छी खासी। आज है डे टू सनबर्न का एंड आई एम एट द वेन्यू। आज मैं बाइक टैक्सी लेके आया होनी भैया के साथ, जिन्होंने मुझे कल छोड़ा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई डे टू के लिए आज ब्लैक कॉफी आने वाला है। प्रो ब्रोज भी रहेंगे एंड ये टू बस स्टेज चालू हो रखा है, जिस पे आएगा एरियो भी आने वाला है। एरियो को भी मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जेम स्टोन पे भी गाने आए हुए भाई के, बाकी हेडलाइनर तो अपने ब्लैक कॉफी हैं। और मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, आज मुझे एक चीज़ पता चली, गोवा में लोकल्स के लिए आज से पहले तीसरे दिन फ्री एंट्री होती थी। इस बार क्या था कि पहले दिन फ्री एंट्री थी, तो ये मुझे थोड़ा एक अच्छी चीज़ लगी बाइक वाले भैया से जानने को मिला ये सब। तो कल जो लोग आए थे 30,000, उसमें मान लो कि आधे तो लोकल ही थे, और आज मुझे फॉरेनर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। आज मैं तुम्हें बहुत ढंग से बोल्ट 777 का स्टेज दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लास्टर जैक्स प्रोज ब्रोज और जितना भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो सब उस पर है। ब्लैक कॉफी इज ऑन मेन स्टेज, तो स्टे ट्यून। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी डे वन नहीं देखा तो डे वन का ये रहा टैप लिंक, उस पर जाकर तुम देख लो प्लीज। प्रॉब्लम मेरे से ये हो गई, मुझे लगा 5 बजे एरियो होगा, बट 5:30 पे एरियो होगा ट्यूबवर्क स्टेज पे, ये चीज़ मुझे पता चल गई। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ जहाँ पे रेवटेक अभी प्ले कर रहा था, अभी वहाँ पे कैंडी स्लेटिंग प्ले कर रही है, ठीक है। मेन स्टेज तुमने देख ही लिया होगा, वहाँ पे भाई आज प्रॉपर टेक्नो डीप हाउस वाला सीन चल रहा है, लेजिट, बिना किसी डाउट के। एंड धूप भी आज बहुत ज़्यादा निकली हुई है, ओशन की तरफ से कोल्ड ब्रीज तो आ रही है बट इतनी नहीं आ रही। तो वो हो रहा तुम्हारा वोल्फ 777 का स्टेज, एंड देन इसके बाद हम अपन जाएंगे एरियो वाले पे। लेजिट, अब 5:30 होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, एक रेड बुल और कैरी करूंगा एंड देन मैं जाऊंगा ट्यूबर्क स्टेज पे, क्योंकि एयर होगा, टाइम होगा प्ले करने का। कैंडी स्लेटिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे तो भाई सारे फॉरेनर्स थे, लेजिट। इंडियन तो मैं हूँ और बाकी दो अंकल लोग थे बस, और बाकी कोई भी नहीं था, बाकी सारे फॉरेनर्स आ रखे थे इधर, ठीक है। अब देखते हैं एरियो के सेट पे कैसा रहता, क्राउड है कि नहीं, क्योंकि अभी जब मैं गया था तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, उस टाइम पे कोई डुओ परफॉर्म कर रहा था आई गेस। अब तो थोड़े बहुत लोग दिख ही जाएंगे, तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रहता है। स्टेज से मैं अब आ गया, क्योंकि एरियो का भी चल रहा है, हाफ एन आवर का सेट हो गया था भाई, इज अमेजिंग फीलिंग। क्राउड नहीं था बट ऐसा कोई डाउट भी नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ फिर से वोल्ट 777 जो मैंने तुम्हें बोला था, क्योंकि अब टाइम हो गया 6 बज चुके हैं और प्रोग्रेस ब्रदर सब आने वाले हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल से आ चुके होंगे। एक तो यार वेन्यू इतना बड़ा कि क्या करूँ, तो मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ सिर्फ प्रोग्रेसिव ब्रदर्स के सेट पे भाई। वहाँ प्रॉपर बिग रूम प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रो बजने वाला भाई, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस आने वाला उनका। ये रहा मेन स्टेज, ये तो सारी VIP टेबल्स लगी पड़ी हैं भाई, बहुत महंगी होती है, लाखों में है भाई। एक दिन आएगा अपन भी बैठेंगे, अभी तो पक्का नहीं, बट ये रहा मेन स्टेज, पूरा टेक्नो प्ले हो रहा भाई आज के दिन, लेजिट। बट अभी अपने को जाना एकदम इसके पास। ज़्यादा हो गया भाई इस वाले स्टेज पे, मुझे तो पता नहीं रात में क्या होगा, ब्लास्टर जैक्स इसी पे आने वाले हैं भाई। अभी तो कैंडी सेटिंग प्ले कर रही है, आई गेस 2 या 3 मिनट का इसका सेट होगा एंड देन प्रोग्रेसिव ब्रदर्स विल कम। भाई बोलो आ चुके हैं वैसे, दे आर सेटिंग देयर रूम, लेट्स सी।
When the beat kicks in, we want to see everybody jumping. Are you guys ready? For Blessed Brothers, MC Noisy, are you crazy? मैं जिसकी बात कर रहा था ना भाई, मेन स्टेज के मैं एकदम सामने खड़ा हूँ, अभी आगे जाऊँगा, बट तुम अभी फिलहाल यही से देख लो कि क्या कहर हो रखा भाई। लेजिट बहुत ज़्यादा भाई बहन
जस्टस वॉज प्लेइंग एट वुल्फ 777 स्टेट। भाई लेजिट कातिल दिन है भाई आज का, मतलब अगर 3 दिन की बात करें ना, तीसरा दिन अभी अटेंड नहीं करा, बट मेरे से बात करोगे तो भाई सेकेंड डे इज मैसिव, मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो ब्लैक कॉफी जो मेन है वो आना बाकी है, एंड अभी रेड एक्सिस परफॉर्म कर रहे हैं मेन स्टेज पे, उनको भी अटेंड करते हैं, बट एक बार एब्सोल्यूट और ट्यूब वॉक के स्टेज पर भी चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत तगड़े बंदे आ रखे हैं। फैटिश है एंड जेनिथ, सो लेट्स गो।
जो परफॉर्म कर रहा है एंड इट्स 9:30। मैं सोचा एक बार 777 वुल्फ वाले के स्टेज पे भी जाके देखते हैं, क्योंकि ब्लास्टर जैक्स आर प्लेइंग देयर एंड वहाँ से भी बहुत तगड़ी वाइब आ रही है मुझे दूर से, क्योंकि लोग तो भर भर के है भाई। आज क्राउड ज़्यादा है कल के मुकाबले, लेजेंड ज़्यादा आज क्राउड। एंड ब्लैक कॉफी के यहाँ तो भाई लाइक ही इज़ अ लेजेंड ब्रो, हाउस म्यूजिक में ऐसी नाम नहीं चलता भाई का बिना किसी उसके, इज़ अ लेजेंड बिलीव मी। बाकी राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स ब्लास्टर जैक स्टेज 4777। ओ फक भाई तुम क्राउड देखो अभी, एक मिनट लेके ही चल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ मैं रात 10-15 मिनट अभी 9:45 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार आखिरी कुछ देख जाग के क्लोजिंग होने वाली है ब्लैक कॉफी की भी, ब्लैक कॉफी भी जल्दी आ गया था, तो लेट्स टेक सम क्लिम्स एंड देन उसके बाद निकलते हैं वेन्यू पे एंड फिर मैं तुम्हें डे टू का रिव्यू बताऊँगा, ठीक है। देखा भी कितना गंदा जाम लग रखा है, 1 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम है ये, और मुझे तो किसी ने बताया था कि यहाँ 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम लगता है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले ही निकलूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो हॉस्टल कितनी देर में पहुँचता हूँ, कोई बाइक टैक्सी मिलेगी नहीं तो अकेले। गलती से मैं 1 किलोमीटर गलत आ गया पैदल, अब वापस से 1 किलोमीटर जा रहा हूँ। रिव्यू एक बार तो मैं हॉस्टल पहुँच के दूँगा, अभी निकल लूँ, बाइक टैक्सी वगैरह कोई मिल नहीं रहा और नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है भाई। एंड अभी 10 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया इसलिए जल्दी निकलता हूँ, हॉस्टल में जाके मैं तुम्हें पूरा अच्छे से बताता हूँ।